नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल प्रकाश पर्व कल श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार सिरसा। जी हां, गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर अनाज मंडी सिरसा में 4 अगस्त रविवार को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह की भव्य तैयारियों को लेकर के देखने के लिए दिन भर लोगों का तांता लगा रहा। आपको बता दें कि सिरसा के इतिहास में गुरु पर्व पर इतना बड़ा कार्यक्रम पहली बार आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का आयोजन हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है। आम जन भी इसमें जिज्ञासा पूर्वक समारोह स्थल पर भव्यता देखने के लिए आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि पूरी अनाज मंडी में पंडाल इस तरह से लगाए गए हैं कि वो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। अनाज मंडी के सभी द्वारों में गुरु नानक देव जी के चित्र, शिक्षा संदेश, होर्डिंग्स व बड़े बड़े टेंट लोगों को लुभा रहे हैं। जिला प्रशासन के साथ साथ सामाजिक व धार्मिक संगठन भी समारोह की भव्यता व ऐतिहासिक बनाने के लिए जान से जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं, समारोह स्थल को सुंदर स्वागत द्वारों व कालीन से सजाया जा रहा है। इसके साथ साथ पूरे शहर को साफ सुथरा और रंग बिरंगी लाइटों से चौक चौराहों को भी सजाया जा रहा है। इतने बड़े स्तर पर गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व का आयोजन सिरसा में होने पर स्थानीय नागरिक गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। हर कोई आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत व सेवा में सहयोग करने के लिए आतुर है। जिला प्रशासन द्वारा समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। समारोह के नोडल अधिकारी भी अपनी निगरानी में समारोह को सुंदर व भव्य बनाने के लिए अनाज मंडी में डटे हुए हैं, ताकि इस पर्व में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इसके साथ साथ मीडिया सेंटर में 50 से अधिक लगाए जा रहे हैं कंप्यूटर और लैपटॉप। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया व प्रिंट मीडिया के लिए बनाया गया मीडिया सेंटर को भव्य बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ मीडिया सेंटर में 50 से अधिक कंप्यूटर तथा लैपटॉप रखे गए हैं और हाई स्पीड इंटरनेट की भी सुविधा की गई है। बड़ी LED भी यहां पर लगाई गई है, ताकि पत्रकार वहीं बैठे बैठे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देख सकें। 8 से अधिक मुख्य चैनलों पर इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। स्वागत द्वारों की भव्यता को लगाए गए 4 चांद। जी हां, गुरु नानक देव जी के 550वें पर्व को ऐतिहासिक बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्वागत द्वार बड़े ही स्टीक और सुंदर बनाए गए हैं। वहीं धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं गुरुघरों द्वारा पूरे शहर में जगह जगह स्वागत द्वार लगाए गए हैं और स्थानीय लोगों ने भी गुरु पर्व पर शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए पूरे जज्बे के साथ लगे हुए हैं। स्वच्छ सड़कें, हरियाली, स्वागत द्वारों से पूरा नज़ारा मनमोहक नजर आता है। अब जो खास बात है वो है कि 3 बड़े लंगर व 50 खाद्य पदार्थ की स्टालें यहाँ लगाई जाएंगी। समारोह स्थल पर श्रद्धालुओं के लिए 3 बड़े लंगर हॉल बनाए गए हैं। इन तीनों लंगर चीला साहब गुरुद्वारा, बाबा गुरमीत सिंह तिलोकेवाला व बाबा कश्मीरा जी के आशीर्वाद से लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं द्वारा श्रद्धालुओं के लिए 50 खाद्य पदार्थों की स्टालें भी यहां लगाई गई हैं। पार्किंग की बेहतर सुविधा यहां और व्यवस्था की गई है। समारोह के दौरान रविवार को शहर में जाम की स्थिति न बने और बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा अलग अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की है। वाहनों की पार्किंग व्यवस्था एडिशनल मंडी, कपास मंडी व रेलवे प्लेटफार्म सेट की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि हर कोई अरदास कर रहा है 24 घंटा न हो बरसात। जी हाँ, प्रदेश सरकार की ओर से 4 अगस्त को अनाज मंडी में श्री गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें हर धर्म का व्यक्ति सेवा करने के लिए आतुर है। तैयारियां जोरों पर है और श्रद्धालुओं के लिए खाद्य सामग्री अभी से तैयार की जा रही है। इस कार्यक्रम की खास बात यह है कि सरकार पैसा पानी की तरह बहा रही है। हर व्यक्ति चाहे गुरु से अरदास कर रहा है कि 24 घंटे बरसात नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उनके सपनों पर पानी फिर जाएगा। समारोह स्थल पर श्रद्धालुओं के खान पान का ध्यान रखते हुए करीबन 50 स्टाल ऐसी लगाई गई हैं जहां पर हर कोई अपनी सुविधा अनुसार पदार्थ प्राप्त कर सकता है। हर संस्था अपने स्तर पर खाद्य सामान तैयार करवा रही है। वह बरसात को लेकर के वह डरे हुए हैं, सहमे हुए भी हैं। शासन और प्रशासन की कई दिनों की मेहनत सिरसा में डेरा डाले हुए है, क्योंकि इस कार्यक्रम में बहुत पैसा लगाया जा रहा है। बरसात को लेकर के पुलिस लाइन से स्थान बदलकर अनाज मंडी में रखा गया है।
इसका कारण ये था कि फर्श वगैरह यहाँ पर पक्के हैं और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल जाती हैं। अगर बरसात हुई तो मंडी तक जाने वाले हर मार्ग पर ज़बरदस्त जल भराव होता है, ऐसे में लोग समारोह स्थल तक नहीं पहुँच पाएंगे। ऐसे में किसी की भी उम्मीदों पर पानी फिर सकता है। गुरु पर्व से हर कोई जुड़ा हुआ है और सभी धर्मों के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि 24 घंटे बरसात न हो तो ये कार्यक्रम बहुत बेहतरीन होगा और सिरसा की शान और बान है ये पर्व। तो ये थी सिरसा की विशेष रिपोर्ट पल पल की ओर से। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।